मान गए बुला लीजिए बोले पंद्रह बीस मिनट में कौन सा देश बैठे नहीं सर टेंडर हुआ होगा नहीं ये टेंडर तो भी मात्र एक करोड़ का हमारे यहाँ हुआ है जो कि आपको और 22 जनवरी तक में ये 14 किलोमीटर में काम कर चुका था ये और बाकी में से 2021 में जो फ्लड आया था उस समय इसका करीब 6 किलोमीटर पूरा सबमर्ज हुआ था ही तो पेमेंट चुनाव में अगर बेसिक सर इसमें होता क्या जैसे कि काम करने के दौरान जब रेट बढ़ता है तो फिर के लीजिएगा ना सर आपके साथ में रोहित कुमार आप न्यूज फाउंडेशन पर पूर्णिया के सांसद बनने के बाद पप्पू यादव जो हैं वो एक्शन में आ गए हैं और लगातार वहां के सिस्टम को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में आज अचानक से पप्पू यादव पहुंच गए पूर्णिया पथ निर्माण विभाग के अधिकारी के दफ्तर में और वहां जब पहुंचे तो अधिकारी गायब थे जिसके बाद पप्पू यादव ने अधिकारी को फोन मिलाया अधिकारी जो हैं वो दौड़े जो हैं करीब आधे घंटे के बाद पहुंचे उसके बाद पप्पू यादव ने पूर्णिया में क्या काम चल रहा है किस तरीके से काम की रफ्तार जो है वो क्यों मंद पड़ी हुई तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल किया है तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको पूर्णिया की आपको बता दें कि पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव जो हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल पूर्णिया के कार्यालय का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे जहां पर कार्यालय अभियंता पथ निर्माण विभाग अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे सांसद पप्पू यादव के पहुंचने करीब आधे घंटे के बाद कार्यपालक अभियंता अपने कार्यालय पहुंचे और साथ ही सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में हो रहे कामकाज को लेकर के वहां पर तमाम चीज़ों का जायजा लिया क्या कुछ हुआ किस तरीके से पप्पू यादव एक तरीके से आप मांग चलिए कि औचक निरीक्षण कह लीजिए उसको आप या फिर छापेमारी कह लीजिए जब उन्होंने बिहार सरकार के एक बड़े विभाग के दफ्तर में छापा मारा तो वहाँ पे क्या कुछ हुआ तो खाते हैं जो है जो टेंडर हुआ है हम कंसल्टेड हो गए और अभी सबसे बात के सर एल एस एफ के साथ में जो मजदूरी वाला काम नहीं हो रहा है मजदूर चौक पर नहीं सर टेंडर हुआ होगा नहीं ये टेंडर तो भी मात्र एक करोड़ का हमारे यहाँ हुआ है जो कि आपको मुख्यालय में समर्पित है टेक्निकल के ये जो हमारा अभी जो काम चल रहा है टेंडर होना जो है वो कैसे होना नहीं ये होना जिसका नेटिंग के भी अच्छा नेटिंग नहीं था अब आ जाए कोई ना लेते चौरानवे इकहत्तर जब आप तकनीकी स्वीकृति ही न दे रहा है तो पेमेंट चुनाव में अगर जैसे सर इसमें होता क्या जैसे कि काम करने के दौरान जब रेट बढ़ता है तो उसको फिर कभी के लिखिएगा ना कहीं तो आप है नहीं इसको बढ़ाए उसी में सब कर गया ये जो आप दिए हैं पूर्ण है से खुल रही स्टेट हाईवे वेडिंग स्टैंड डिपोजिट हो जाएगी तो 22 को बनाए सर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ था सर अभी तक इसका वेरिएशन में गया था रिवाइज एस्टिमेट एक्चुअली दो साल रिवाइज एस्टिमेट कैसे
इसमें प्रॉब्लम बता रहे हैं सर, हुआ क्या है कि 2020 में अवार्ड हुआ और 22 में 22 जनवरी तक में ये 14 किलोमीटर में काम कर चुका था ये, और बाकी में से 2021 में जो फ्लड आया था तो उस समय इसका करीब 6 किलोमीटर पूरा सबमर्ज हुआ ये रोड, तो उसमें रिवाइज या चलो उसमें फिर टाइम लग गया था, इसमें रिवाइज होने में 22 अप्रैल 2024 को इसी साल अप्रूवल मैंने सुना आया सर। पिछले साल सितंबर में सर इसका डिस्कोप हुआ 6 किलोमीटर जो उधर नौगछिया भागलपुर पड़ता है सर, बीच में गंगा है सर, महानंदा का जो जो है डिस्ट्रीब्यूटरी वो जब रिवर है उसमें नदी कनेक्टिविटी न होने से और वो आधा पोर्शन उधर 30 किलोमीटर डूबा रहता है। हाँ तो अभी सर वेरिएशन अप्रूव हुआ है, उसमें करीब जो 4 किलोमीटर जो अब 18.5 किलोमीटर हो गया था जिसमें 14.1 किलोमीटर रोड बना चुका था, तो रोड ये यहाँ पर है रुपोली धंधा छप्पन मुख्य स्थानीय चौक से कम।